राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति माहेश्वरी, और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आज बहुत ही खूबसूरत सी जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस का डिजाइन बनकर कंप्लीट हुआ है। बहुत ही प्यारी ये ड्रेस बनी है, और उसकी मैचिंग की देखिए बहुत ही खूबसूरत सी पगड़ी भी बनी है। बहुत प्यारा डिजाइन है, और इसकी मैचिंग की ऑलरेडी मैं आपके साथ राधा कृष्णा की ड्रेस शेयर कर चुकी हूँ। उन सभी ड्रेसेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो वहां से जाकर देखकर आप लड्डू गोपाल की जो है ड्रेस और आप राधा कृष्णा की कान्हा जी की जो है ड्रेस वहां से बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी की मैचिंग की आज मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे बनानी है वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही देखिए खूबसूरत ड्रेस बनी है, बहुत ही प्यारा डिजाइन बनकर आया है। उम्मीद करती हूँ आपको लड्डू गोपाल की जो मैंने राधा कृष्णा की ड्रेस की मैचिंग की ये ड्रेस डिजाइन करी है ये भी जरूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि सभी लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह के खूबसूरत ड्रेसेस बनाकर कंप्लीट कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया डिजाइन लेकर आऊँ, कोई नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि लड्डू गोपाल की इस खूबसूरत सी जो है ड्रेस को हमें कैसे बनाकर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आज हम जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसकी मैचिंग की ऑलरेडी मैं आपको जो है राधा कृष्णा की ड्रेस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये देखिए, ये है राधा रानी का लहंगा, और ये है राधा रानी की चोली, पगड़ी और ये पटका। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है शेयर कर चुकी हूँ। और इसी की मैचिंग की जो है लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे बनानी है इसका जो है मैसेज आया हुआ था, तो आज वही वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आपको मैचिंग की जो है राधा कृष्णा के ड्रेस की मैचिंग की ही जो है लड्डू गोपाल के लिए भी बनानी है, तो वो हम कैसे जो है बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह की जो है हमने कान्हा जी की भी सेम इसी तरह की जो है कट काजनी के साथ मैंने आपके साथ शेयर करी है दोनों ही वीडियो। ये देखिए, ये इस तरह से कान्हा जी की बहुत ही खूबसूरत सी कटकाशनी के साथ ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और इन अगर आपने अभी तक राधा कृष्णा की ड्रेस का डिज़ाइन नहीं देखा है, तो सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राधा रानी की ड्रेस का भी, कान्हा जी का भी। तो वहां से देखकर जो है आप सेम अपने लिए भी, राधा कृष्णा और लड्डू गोपाल के लिए सेम पैटर्न की ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बाकी लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा भी कैसे बनाना है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, जहां पर जो है आप क्लिक करके किसी भी साइज़ के, जिस भी साइज़ के आपके लड्डू गोपाल जी हैं, वहां पर मैंने दो टाइप के जो है बेस साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड करे हुए हैं। एक है 0 नंबर से लेके 6 से 7 नंबर तक का, और एक है 10 से 12 नंबर से लेके किसी भी बड़े साइज़ में आपको लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा कैसे बनाना है। तो ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर जो है आप सबसे पहले तो ये घेरा बनाकर कंप्लीट कर ले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने राधा रानी का लहंगा डिज़ाइन किया है, कान्हा जी की कटकाशनी बनाई है, सेम ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। यानी हाफ पार्ट के अंदर हम अपना फ्लावर वर्क करेंगे और हाफ पार्ट में हम अपना दूसरा वाला वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको सिंपल ग्लू लेना है, और स्काई ब्लू में इस बार मैंने सिल्वर कलर की जो है चेन यूज़ करी है, जिसकी वजह से इस ड्रेस का लुक बहुत ही जो है प्यारा निकल कर आया है। तो ये देखिए इस तरह से आप पहले से ही कट करके रख सकते हैं जैसे मैंने करा हुआ है, और ये स्टोन जो मैंने राधा कृष्णा की ड्रेस में लगाया है सेम हम लड्डू गोपाल की ड्रेस में भी यूज़ करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न बना रहे हैं। तो देखिए इस तरह से आएगा, और जितनी भी अटैचमेंट आप इस ड्रेस में देख रहे हैं, अगर आप घर बैठे इनको मंगाना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो आप कहीं पर भी रहते हो, वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है, आप घर बैठे ऑर्डर करके स्क्रीनशॉट शेयर करें आपको कौन कौन सी अटैचमेंट चाहिए, तो वो सभी आपको जो है घर बैठे मिल जाएंगी। तो आप सेम ड्रेस जो है तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये वाली अटैचमेंट हमने दोनों साइड लगाई, एक तरफ मैंने लगा रखी थी, एक तरफ मैंने आपको लगा कर दिखाई है। तो सबसे पहले अपना ये काम करना है, और उसके बाद देखिए फिर जो साइड में जगह है यहाँ पर फिर से हम ग्लू लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए सेम दूसरी साइड भी हम इसी तरह से अपनी सिल्वर कलर की स्टोन चेन यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, और जितनी भी ये एक्स्ट्रा है इसको यहाँ पर हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन आपका दोनों इस तरह से साइड में आएगा, जितना भी आपको रखना हो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने राधा कृष्णा की कान्हा जी की जो है ड्रेस को डिवाइड किया था इस वाले डिज़ाइन से, सेम हमने ऐसे ही यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर दिया है। और ये वाली अटैचमेंट अब हम लेंगे और यहाँ पर लड्डू गोपाल की ड्रेस के देखिए यहाँ पर फ्रंट पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से फ्रंट पर आपको रखना है। और ये जो कान्हा जी की ड्रेस मैं बना रही हूँ ये वाली लड्डू गोपाल की, ये मैंने राधा रानी की ड्रेस में जो डिज़ाइन दिया है वो वाला बना रही हूँ। कटकाशनी में थोड़ा सा चेंज है क्योंकि वो ओपन में बनी है, तो थोड़ा सा इस तरह का चेंज जो है जो भी होता है वो मैं आपके साथ लगातार शेयर करती रहती हूँ कि कान्हा जी की कैसी बनेगी, राधा रानी की कैसी बनेगी और लड्डू गोपाल की कैसी बनेगी। और रिक्वेस्ट भी आई थी कि लड्डू गोपाल की ड्रेस बनानी हो तो ये डिज़ाइन हम कैसे बनाएं, तो वो आज उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से देख पाएंगे कैसे बनानी है और आपको अच्छा भी लगेगा ये डिज़ाइन। और इस डिज़ाइन को आप 0 नंबर से लेके किसी भी साइज़ के लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं क्योंकि तरीका सेम ही रहेगा, बस साइज़ के अकॉर्डिंग क्या है अटैचमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने ये वाला स्टोन लगाया है, नीचे पिंक वाला, और एक अटैचमेंट मैं ये वाली यूज़ करूँगी जिसे हम इस तरह से देखिए जो है सेट करेंगे नीचे की तरफ, और एक अटैचमेंट मैं ये लूँगी ये वाली दोबारा से और इसको यहाँ पर लगाएंगे जिससे हमारा ये वाला फ्रंट का सेम डिज़ाइन आएगा जो हमने राधा रानी के देखे लहंगे में यहाँ पर जो है बनाया है। और मैंने आपको देखिए दिखाया भी है ये इस तरीके से, देखिए राधा रानी के लहंगे में भी हमने ये वाला डिज़ाइन इस तरीके से बनाया था, तो सेम मैंने ऐसे ही लड्डू गोपाल के लिए भी देखिए डिज़ाइन किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ाइन है हम इसके अंदर डालेंगे वो सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ पर सेंटर में हमने फ्लावर वर्क किया है तो यहाँ पर भी हम अपना फ्लावर वर्क ही करेंगे। तो इस तरह से फ्लावर लेंगे और जितना भी हमारा देखिए ये वाला स्पेस बचा है वहाँ पर हम इस तरह से फ्लावर लगाएंगे, ये इस तरह से फ्लावर्स लेते जाएंगे और यहाँ पर लगाते जाएंगे। तो पूरा जो ये घेरा है यहाँ पर आपको ये फ्लावर वर्क करके जो है इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट का हमारा डिज़ाइन है लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का वो कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद अब हम करेंगे बैक साइड का वर्क जो हमने सेम राधा रानी का रखा है, ऐसे ही जो है हमें लड्डू गोपाल की ड्रेस का भी सेम ही रखना है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ये शाइनिंग वाला जो हमारा फ्लावर है, तो ये देखिए इस तरह से ग्लू लेंगे और यहाँ पर इस तरह से पहले ये लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी पिंक वाली अटैचमेंट, देखिए थोड़े से गैप पर, और फिर हम अपना यही फ्लावर यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। तो पूरे पार्ट में आपको ऐसे ही लगाना है और ये थोड़े थोड़े गैप के ऊपर जो है इसको लगाकर इसको कंप्लीट करना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। फिर यही फ्लावर लगाएंगे, अपनी पिंक वाली एक अटैचमेंट लगाएंगे यहाँ पर इसके जस्ट नीचे, और थोड़ा सा गैप ज़रूर देना है क्योंकि इसमें भी जो है मैंने वर्क किया है। वो कैसे करेंगे वो पहले हम इसको कंप्लीट कर ले उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से, तो पूरी ड्रेस में थोड़े थोड़े गैप पर आप अपना ये वाला वर्क जो है करके इसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पर देखिए पीछे सारी उसी सीरीज़ में हमने अटैचमेंट लगा ली है, और ये जो हमने बॉर्डर बनाया है ड्रेस के ऊपर लड्डू गोपाल की, तो यहाँ पर भी जो है बॉर्डर के ऊपर भी मैंने अपना एक पिंक कलर का ये छोटे सा स्टोन जो है यहाँ पर देखिए इस तरह का स्टोन है ये, इसको जो है यहाँ पर लगाया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डिज़ाइन हमारा है लास्ट वाला, ये इसके अंदर क्या किया है मैंने ये वाली अटैचमेंट ली है, और देखिए इन दोनों पार्ट के बीच में जो गैप है वहाँ पर हम लगाएंगे अपनी ये वाली अटैचमेंट, और इसके जस्ट नीचे मैंने लगाया है अपना दूसरे वाला फ्लावर जो हमने ड्रेस में फ्रंट के ऊपर लगाया है इस तरह से, देखिए। तो ये कुछ इस तरीके का जो है वर्क आएगा ड्रेस के अंदर, ये देखिए। और आप चाहें तो आगे पीछे का डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं, ये वाला आप आगे बना सकते हैं ये, और ये वाला पीछे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो आप इसको वैसे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये जो है ड्रेस हमारी फ्रंट का और जो बैक का डिज़ाइन मैंने इसमें बनाया है वो बनाकर कंप्लीट हो चुका है।
इस तरह से, और वैसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब लड्डू गोपाल जी बैठते हैं तो सिंहासन पर हम इस तरह से जो है उनको बिठाते हैं, तो बैक में भी डिजाइन नजर आएगा, फ्रंट में भी ये डिजाइन नजर आएगा, तो बहुत खूबसूरत जो है ड्रेस लगने वाली है। तो ड्रेस लगभग बनकर तैयार है। अब बारी आती है यहाँ पर चोली की। तो हमने लड्डू गोपाल की चोली को भी यहाँ पर सेम डिज़ाइन जो है बनाकर कंप्लीट किया है, जो हमने राधा रानी की और कान्हा जी की चोली में बनाया है। तो देखिए इस तरह से ग्लू लगाएंगे, और ग्लू लगाने के बाद देखिए इस चेन को हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे, जैसा हमने जो है कान्हा जी की और राधा रानी की चोली में लगाया है। तीन लाइनें हमने वहाँ पर लगाई हैं, तीन ही लाइनें हम यहाँ पर लड्डू गोपाल की ड्रेस में भी लगाएंगे। स्मॉल साइज़ में ये दो आ सकती हैं, जीरो नंबर से तीन नंबर तक के लड्डू गोपाल की चोली में। जैसा मैं कहती हूँ, डिज़ाइन थोड़ा बहुत साइज़ के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए, बाकी आप इस ड्रेस को मैंने बता दिया है, जीरो नंबर से लेके किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, तरीका सेम ही रहने वाला है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से देखिए तीन लाइनें हमने यहाँ पर इस तरह से बना दी हैं चेन की। और इसको लगाने के बाद, क्योंकि चोली छोटी है तो यहाँ पर हमारा वो फ्लावर वाली अटैचमेंट तो नहीं आ पाएगी जो राधा कृष्णा की ड्रेस में है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला स्टोन। ये देखिए इस तरह से। तो जो भी चेंज होता है वो मैं आपके साथ हर वीडियो में शेयर कर देती हूँ, राधा कृष्णा की हो चाहे लड्डू गोपाल की, कि मैंने क्या चेंज किया है। तो देखिए इस तरह से, और ये वाली अटैचमेंट मैं थोड़ी सी तिरछी लगाऊंगी इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लड्डू गोपाल की भी हमारी चोली बनकर कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस जो है फाइनली बनकर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत देखिए डिज़ाइन बना है, बैक से भी फ्रंट से भी बहुत प्यारा डिज़ाइन आया है। और ये है लड्डू गोपाल की ड्रेस की मैचिंग की पगड़ी। तो जो ऑलरेडी मैं आपको जो है राधा कृष्णा की ड्रेस में बनाकर दिखा चुकी हूँ, तो लिंक जैसा मैंने कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा सभी चीज़ों का, कि लड्डू गोपाल की चोली कैसे बनानी है, घेरा कैसे बनाना है, राधा कृष्णा की ड्रेस कैसे बनानी है, इन सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, पगड़ी बनाने का सबका। तो वहाँ से देखकर जो है आप लड्डू गोपाल के लिए इस पगड़ी को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि राधा कृष्णा की ड्रेस में जैसा मैंने कहा मैंने बनाकर दिखाई है कैसे डेकोरेट किया है, तो सेम तरीका है। तो आप वहाँ से देखकर जो है इसको बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जो आपकी रिक्वेस्ट आई थी लड्डू गोपाल की ड्रेस के अंदर इस डिज़ाइन को कैसे बनाएं, तो वो पूरी भी हुई होगी और आपको ये डिज़ाइन पसंद भी आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, आगे और लोगों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया डिज़ाइन लेकर आऊँ, कोई नई वीडियो के साथ शेयर करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय पर मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस तरह की वीडियोज़ को शेयर किया करें, ताकि सभी लोग अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की खूबसूरत ड्रेसेस बनाकर कंप्लीट कर सके। तो मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक और खूबसूरत से ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।